नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। हाल के दिनों में लगातार बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में दरार बढ़ती चली जा रही है। क्या जेडीयू ने अपना अलग रास्ता नापने का फैसला कर लिया है? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के संयोजक श्री शरद यादव। स्वागत है आपका। शरद जी, सबसे पहले यह बताइए कि आपने हाल में एक बयान दिया, बयान में आपने कहा कि बीजेपी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर हम पिछले कुछ महीने को देखें तो लगता है कि लगातार अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू की लाइन भिन्न है। क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि आपकी बात क्या रिश्ते टूट रहे हैं? नहीं, उसका जवाब तो सुनो। बात यह है कि हमारा अलायंस 16 साल का और हम अलग अलग चार पार्टी हैं। एक घर में बर्तन होते हैं तो बचते हैं वो। हम अलग अलग चार पार्टी, हमारी विचारधारा सबकी एक नहीं है। नेशनल एजेंडा है। अडवाणी जी और अटल जी के साथ बैठ करके हमने नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस और हेगड़े साहब और नीतीश कुमार जी ने यह फैसला किया था कि नेशनल एजेंडे के धुरी के आसपास चलेगा। हमारी पार्टी के बहुत से मुद्दे परे हैं, बीजेपी के सभी मुद्दे नहीं, जो मुद्दे विवादास्पद है हमारे मुद्दे विवादास्पद परे हैं, शिवसेना के परे हैं, अकाली दल के परे हैं। और हम 16 साल 17 साल से गठबंधन, ये कोर है, हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आप एक सेंटेंस निकाल लिए हैं, हमने कहा था ये तो हर पार्टी एसेट भी है इस समय अलायंस मीटिंग में, अकेले बीजेपी ने, हम भी, डीएमके भी, ममता भी, समाजवादी भी, मायावती भी, ऐसी हालत है इस देश की। 1 लाख जात है इसमें, कितने सूबे हैं, कितनी भाषा है, कितने धर्म हैं, 33 करोड़ तो देवी देवता भगवान है यहाँ, 3 हिंदुओं के तीन भगवान, 3 हिंदुओं की छाती पे 1 भगवान है। अब इसमें कोई सीधी लाइन नहीं बनती है। नहीं, पर अगर हम मुद्दे उठा के देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा हो या फिर एफडीआई के मुद्दे पर स्पेशल सेशन बुलाने का मुद्दा हो, लगातार जेडीयू अपनी अलग लाइन पकड़ रहा है और बीजेपी अपनी अलग लाइन पकड़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के मुद्दे की वजह से दोनों पार्टियों के बीच तकरार बढ़ रही है। ना, ऐसा है ना कि सेशन के मामले में अडवाणी जी से मेरी बात हुई है, वो हमसे सीनियर आदमी, उनने सहज भाव में बोला है और सहज भाव में हमने बोला है, क्योंकि हम जो न्यूक्लियर डील पे देख चुके हैं, सेशन होगा तो सारा इतने मुद्दे हैं वो सब कांग्रेस पार्टी इसमें। आजकल जो बाजार के चलते आदमी जो है वो हर समाज में जो कहावत है ना कि जस राजा तस प्रजा, अब है जस प्रजा तस विधानसभा होगी, तस लोकसभा होगी, तस विधायक होगा, तस एमपी होगा। तो पिछली न्यूक्लियर डील पे अविश्वास प्रस्ताव हम लाए, हम लग रहा था हम जीत जाएंगे, लेकिन मुलायम सिंह जी या मायावती इधर उधर, उससे नहीं कुछ हुआ, हमारे आदमी टूट गए, ये पहली बार हुआ। तो सेशन बुलाना हमारे लिए वाजिब नहीं, हमको लड़ना है। सरकार बना सकते हैं और पलट सकते हैं।